आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो मैंने हमेशा की तरह यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 22। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 1,25,000। ये पॉपुलेशन इसमें दी हुई है सिटी की। इफ द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट आर 5.5% एंड 3.5% रिस्पेक्टिवली। बच्चों यहां पर थोड़ा सा समझने की बात यह है कि यहां पर सबसे पहले बर्थ लिखा है, तो बर्थ रेट होगी आपके 5.5%, और बाद में डेथ लिखा है तो डेथ रेट ये होगी। ठीक है, अब कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 ईयर्स, और 3 ईयर के बाद हमें सिटी की पॉपुलेशन फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, देखने में तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर, ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पॉपुलेशन फाइंड कर लेते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, आपकी जो पॉपुलेशन है 3 ईयर के बाद की, हम बाद में निकालेंगे कि कितनी होगी। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन। यहां पर देखिए एनुअल बर्थ रेट क्या है, एनुअल बर्थ रेट 5.5%। ठीक है बच्चों, और यहां पर एनुअल डेथ रेट भी लिख लेते हैं, इक्वल टू 3.5%। ठीक है बच्चों, ये अब बच्चों आपको ये समझना, देखिए बर्थ जो है वो हो रहे हैं 5.5%। ठीक है, यानी बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। अब मान लीजिए अगर किसी सिटी में 10 बच्चे जन्म लेते हैं और उसमें से 4 मर जाते हैं, तो कुल कितने बचे, 6। तो इसका मतलब पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ठीक, हमें वही करना है इसमें। अब देखिए यहां पर जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो इसका मतलब हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो एनुअल बर्थ रेट आपकी आ जाएगी। पहले हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर एनुअल बर्थ रेट तो हम क्या करेंगे, 5.5 माइनस 3.5 और इक्वल आ गया 2, तो 2% जो होगी वो बर्थ रेट काउंट होगी। ठीक है, रेट जो आपकी लगेगी 2%। अब हमें देखिए यहां पर द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको सोल्व करते हैं, द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है बच्चों, क्या होगी, देखिए वही फॉर्मूला, पी ब्रैकेट 1 प्लस रेट बाई 100 और टाइम क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर 3 ईयर। ये ठीक है, आइए करते हैं। पी का मतलब जो अपनी अभी पॉपुलेशन है 1,25,000, यहां पर ब्रैकेट 1 प्लस रेट आपकी 2 है और बाय 100 और टाइम है 3। इसको चाहे तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2 2 5 10 0 की 0, ऐसे। ठीक है, चाहे तो विदाउट डिवाइड किए भी आप इसको कर सकते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, आइए देखिए यहां पर अब ये कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा आपको, मैं इधर करके दिखा देता हूं यहां पर। ठीक है बच्चों, आगे 1,25,000 और ब्रैकेट ये 1 प्लस 1 बाई 50, ये कुछ ऐसा दिखेगा।
ठीक है, आइए इसको इधर कर लेते हैं। 125,000 और वही शॉर्टकट मेथड आपको यूज करना है। देखिए यहां पर डिनोमिनेटर 50 है, प्लस का साइन है, तो इसमें ये जो न्यूमरेटर 50 के ऊपर इसको ऐड कर देना है। 50 + 1 = 51 न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखेंगे और इस 50 को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। मल्टीप्लाई 3 times है तो इसको 3 times, यानी पावर 3 है तो 3 times हम इसको लिखेंगे ऐसे 51/50 इस टाइप से। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 3 0 से 3 0 डिवाइड कर दे। अब 5 5 जा क्या होता है बच्चों, 25 25 5 जा 125, तो 125 से 125 हमने डिवाइड कर दिया। अब आपके पास सिर्फ ये बचा है ये, अब इनको मल्टीप्लाई करना है और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं इधर मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। 51 को 51 से करेंगे, 1 1 1 1 1 5 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
ये आ गया। अब इसको फिर 51 से करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 से करेंगे तो यू क्यों आएगा, 1 1 जा 1, 1 0 0, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 5 से 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 6 जा 30, कैरी 3, ठीक है बच्चों, 5 2 जा 10 और 3 30। आइए इसको ऐड कर लेते हैं, 1 5 6 2 3 1, ठीक है बच्चों। अब ये यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है, 1,32,651, ठीक है। तो द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर जो होगी वो ये होगी। आइए मैं एक बार फिर लिख देता हूं यहां पर, द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर इक्वल टू 1,32,651, बच्चों ये आपका आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था बच्चों, समझ में ना आए तो एक बार फिर देखें और इसमें से देखकर सीखें और फिर दूसरों को जरूर सिखाएं। जब आप दूसरों को सिखाते तब ये आपको अच्छे से आ जाएगा। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बच्चों इसमें से सीखकर मैं हमेशा बोलता हूं कि दूसरों को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।